सलमान, हाँ थैंक यू। कुछ क्या सोच रहे थे आप? नहीं, बस मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जी कहिए, सब खैरियत तो है ना? असमत, तुम ठीक कहती थी। अल्लाह पाक अगर सईद को हिदायत दे दे तो बहुत ही बड़ा कोई मुआवजा हो जाए। क्यों, उन्होंने क्या फिर आपसे रابطہ करने की कोशिश की है? नहीं, मेरा जो प्रॉपर्टी डीलर है उसने कॉल की थी मुझे मकान के सिलसिले में। उसने मुझे बताया कि सईद ने शादी कर ली है। क्या? आपको यकीन है कि ये सच बता रहा होगा आपको? वो झूठ क्यों बोलेगा असमत? खाला जी को ये बात पता भी है या नहीं? जाने आप किस पे अपनी कमाई लौटा रहे होंगे। उसने जिससे शादी की है उसे अपने घर पे ही रखा है। खुफिया शादी नहीं की उसने। या अल्लाह, उन बच्चियों को तो सईद भाई ने कभी सगे बाप वाला प्यार नहीं दिया। पता नहीं ये सौतेली माँ क्या सलूक करेगी उन पर। बस दुआ करो अल्लाह पाक से अब उनके हक में जो हो बेहतर हो। सलमान, कभी मैं सोचती हूँ कि तनी इन बच्चियों की आजमाइश कब खत्म होगी। अच्छा असमत, मेरी क्लाइंट से डील तो फाइनल हो रही है लेकिन वो इंस्टॉलमेंट 6 मंथ्स में जाके देगा पूरी। देखिए, अगर इस बात की श्योरिटी है कि पेमेंट 6 महीनों में हो जाएगी तो आप मान जाए ना। मेरा मतलब है, हम भी तो इसी तरीके की कोई डील यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। जैसे जैसे हमारे कराची वाले मकान की पेमेंट होगी, हम यहाँ के मकान की रकम अदा करते रहेंगे।